बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम साफ़ी हज़रात का, तमाम चैनल्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ देर पहले हमारी तकरीबन पीटीआई के मरकज़ी कायदीन से जनाब परवेज़ खटक साहब, असद उमर साहब, स्पीकर साहब से, डिप्टी स्पीकर साहब थे, उसमें सैफुल्लानी अजीज़ साहब थे, हमारी सेनेट के हवाले से, बलूचिस्तान की सेनेट के हवाले से बातचीत हुई। बड़ी मुस्बत बातचीत हुई क्योंकि हम बलूचिस्तान में मरकज़ में दोनों पार्टियां जो है इत्यादी पार्टियां हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट बलूचिस्तान में ले आएँ। और तकरीबन हमारी बातचीत मुस्बत रही और पॉजिटिव रही। अभी इन्होंने एक कमेटी बना दी, इनकी आपस में बातचीत हो गई, फिर हमारे से इनकी बात हो गई तो इन्होंने एक कमेटी बना दी, कासम खान सूरी जो डिप्टी स्पीकर है इनके, उसकी सरबराही में बना दी। तो इंशाल्लाह ताला कल वो मीटिंग हमारी बलूचिस्तान में होगी क्योंकि बलूचिस्तान की सीट के हवाले से बात होगी। तो हम, हमारी कोशिश ये है कि हम बलूचिस्तान की जो 12 सीट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है इत्यादी पार्टियों का, बीएपी और इत्यादी पार्टियों का हो। तो उस हवाले से ये बातचीत तकरीबन अभी ख़त्म हो गई और बड़े पॉजिटिव रिस्पांस उनकी तरफ से भी आई और हमारी तरफ से भी, और हमें मुकम्मल तवक्को है, यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस बातचीत के बाद हम अपने हदफ को अबूर कर लेंगे और हम इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होंगे। जो हमारी टारगेट है सेनेट में हम उसको अचीव कर लेंगे। टारगेट क्या है? और दूसरा, अब्दुल रज़ाक साहब जो है वो, अब्दुल कादिर साहब वो पीटीआई के उम्मीदवार होंगे या बाप पार्टी? बात आपका क्या था, मुतालबा क्या था आज के मुदाकरे में, आप क्या चाहते हैं? वो इसलिए हम ये बात आपको वाजह कर दें, हमारा मुतालबा ये था कि हम इनको ये कह रहे थे कि ज़हूर आगा इनका कैंडिडेट है, हमने कहा कि आप इनको हमारे पार्टी के हक में विड्रा कर दें, हमारी इत्यादियों के हक में। तो ये बात हमने उन तक पहुँचा दी, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी गुजारिशात, हमारे जहन में जो जो चीज़ें थी उन्होंने सुन ली और बड़े अच्छे रिस्पांस के साथ उन्होंने सुन ली। बाकी हमारी पार्टी के खुद इस वक्त तक 6 से 7 जनरल सीटों पे खड़े हैं, हमारे 14 कैंडिडेट्स हैं। इसमें जो भाई ने बात की है इसमें उस ये कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे ऑलरेडी हमारे कैंडिडेट्स खड़े हैं। उसके लिए हम देखेंगे जब हमारी बातचीत कामयाब होगी और हम इंशाल्लाह ताला तवक्को है कि कल कामयाब हो जाएगी हमारी बातचीत, हम अपने कैंडिडेट्स को उसी हिसाब के साथ रखेंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 12 में से 9-10 सीटें हम निकाल के रहेंगे। अगर हम सारे इत्यादि एक जगह पे हो, इंशाल्लाह ताला एक जगह पे होंगे भी। बात इस तरह है, उनकी तरफ से तो कमेटी इन्होंने बना दी कासम खान सूरी की क़यादत में, हमारे सीएम साहब से वो बात करने जा रहे हैं, हम भी पहुंच रहे हैं, कल हम सारे पहुंच रहे हैं। ये जो हजरात इधर खड़े हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, हम सारे पहुंच रहे हैं। कल हमारी फ्लाइट भी है, इंशाल्लाह ताला वहाँ से हम ऐलान कर देंगे और एक अच्छी ऐलान होगी हमारी और सेनेट के हवाले से, सूबे के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह ताला। हम मुबारकबाद देंगे अपने दोस्तों को कि ये खबर आप जो है आप देखेंगे कि एक मुल्क के हवाले से एक अच्छी खबर होगी, पॉजिटिव खबर आएगी इंशाल्लाह। देखो मैं यही जवाब आपको देना चाहता हूँ, हम आए इसीलिए कि यार मोहम्मद रिंद साहब ने अपने बेटे को आज़ाद खड़ा किया तो शायद उसके पास भी 1-2 सीटें होंगे। तो इस हवाले से हमने गुजारिश की, यार मोहम्मद रिंद ने ये जो पार्टी है हम तो पार्टी से बात करेंगे, यार मोहम्मद रिंद हमारे लिए सरदार है, रिंद साहब मोहतरम है, हम पार्टी से बात करेंगे, पार्टी टू पार्टी बात होगी, हमारी पार्टी तहरीक इंसाफ से बात करेगी। हमने इसीलिए यहाँ के स्पीकर साहब के घर में तमाम इनके मरकजी कायदीन से बात की। तो आप इंशाल्लाह कल इसका रिजल्ट आप देख लेंगे। एक पॉइंट क्लियर कर दें कि अब्दुल रज़ाक, अब्दुल कादिर साहब आपके उम्मीदवार हैं या नहीं है, और दूसरा ये बता दें कि आप शो ऑफ हैं। भाई मैंने आपको मैंने पहले आपको बता दिया कि हमारी इस टाइम 7 जनरल सीट पे हमारे बंदे खड़े हैं, वो नहीं है।
वो आजाद खड़े हैं, उसे हमारा वो नहीं जो आप सोच रहे हैं वो वाला मसला नहीं है हमारा। हमारे हमारे अपने जो बा पार्टी ने खड़े किए 7 जर्नल्स पे, 2 टेक्नोक्रेट्स पे, 2 लेडीज पे, 1 हमारे मिनोरिटी पे खड़े हैं इस टाइम पर। तकरीबन हमारे एक ताज मोहम्मद अफरीदी साहब है, ताज साहब वो हमारी मुश्तरका उम्मीदवार होंगे हमारे और तहरीक इंसाफ के, इंशाल्लाह ताला उधर भी हमारी बातचीत जबरदस्त हुई और कामयाब बातचीत हुई। थैंक यू।